मेरी ब्यूटी का राज है दुख दर्द और आंसू। और जो 11.5 किलो मेकअप थोपा हुआ और प्लास्टिक सर्जरी पे इतने पैसे लगाए हैं उसके बारे में बात नहीं करनी। नहीं, खाना भी नहीं खा रही हूँ। हाँ, क्योंकि फुटेज से जो पेट भर रहा है। देखो, जिंदगी में मैंने बहुत गलत काम किए हैं और आगे जाके शायद मैं और करूंगा, लेकिन भगवान से एक ही दुआ, दोबारा टिकटॉक आ जाना तो इतना कॉन्फिडेंस देना कि दोबारा टिकटॉक पर आ जाऊंगा मैं। लेकिन इतना भी कॉन्फिडेंस मत देना कि राखी सावंत की तरह बन जाऊं और सोशल मीडिया पर चुदाब मचाना शुरू कर दूं। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके कोई इलाज नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। तो हाँ भाई, आज की वीडियो करते हैं शुरू। राखी सावंत पर वीडियो है, जैसे कि तुम्हें पता है इसका काफी धमाल चल रहा है इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी। तो आज हम इनके ऊपर बातचीत करेंगे और मजे लेंगे, तब तक आप सुनो इंट्रो। एडिटर साहब, ताडी बहनू लव। जुत्ती कत्थे मेरी पैर। और बोलिए, क्या बोलूं, बोलिए क्या बोलूं मैं। बहन तो सिर्फ सॉरी मांग ले और तो कुछ मत बोल। जितना तूने ये गंद मचाया हुआ है ना, अपने ड्रामे से लोगों को परेशान किया हुआ है हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, बस तू सॉरी बोल दे एक बारी। राखी जी कल दुल्हन के ड्रेस में देखा था, आज किस ड्रेस में देख सकते हैं? अगले की जिंदगी मरी पड़ी है, रो रो के उसका बुरा हाल है, इसको ड्रेस की पड़ी हुई है। ले भाई, मैं बिकनी पहन के आ जाता, तू मेरी खींच, मेरी खींच। खोती तो बच्ची। हाँ जी, तो मेरे भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी कजन गर्लफ्रेंड्स जो मुझे इस वीडियो के माध्यम से देख रही हैं, आप सबको बहुत प्यार भरी। तो आज अपन बात करने जा रहे हैं राखी सावंत के बारे में, क्योंकि इन्होंने की है एक और शादी। ये मेरे को पता तुम्हारे लिए काफी शॉकिंग नहीं होगा, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता इसने कितनी बार शादी की है और कितने कितने लोगों से क्या, मेरे को कुछ नहीं पता। पहले अभिषेक, फिर वो जॉनी सिंह जो स्वयंवर वाला, उसके बाद रितेश बिग बॉस वाला, बीच में दीपक लाल आया, दीपक लाल के बाद ये आदिल आया, इसके बीच में भी और कुछ आया, मेरे को कुछ नहीं पता। इन्होंने शादी की, उसके बाद इनका क्लेश पड़ा, फिर ये रो रो के हाय हाय करने लगी, फिर इंस्टाग्राम पर बहुत छाने लगी, अब इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। अरे बस कर भाई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जान जान वापस आ जाओ। जान जान वापस आ जाओ। जान तेरा प्लूटो पे सैर करने नहीं गया, आ जाता 5 मिनट, हौसला ले, आ जाता है। एक तो ये पता नहीं कौन है औरतों की, अरिजीत सिंह, इसके साथ 24 घंटे घूमती रहती है, इसको बड़ा मजा आता है इसकी कमेंट्री करने में। अगली बोल रही है ना, उसको सुन लेने दो सबको, जब वो रो रही है ना उसको जब फिट डाल के बस यही करी जा, तेरा कमेंट्री देना हर बार जरूरी होता है। कैसा इसका बॉब द बिल्डर जैसा मुंह, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। आथू चुप कर, इंसानों के शुतुरमुर्ग, कैसा मेरी कुनी जैसा तेरा मुंह है, ये फांसा था ना। अबे सांडे के तेल के गरारे किया कर, तेरी आवाज ठीक हो जाएगी। दुनिया में किसी को किसी की कोई परवाह ना हो, ये एम ही टूट पड़ता है, ये अपनी यूट्यूब वीडियो पे आ जाता होता है, और तेरे को ज्यादा चुल मचती है, गधा जाना मेरा। तंदूरी नुनू बड़बड़ बड़बड़ किए जा रहा है, किए जा रहा है, तेरे से किसी ने पूछा भी है? सबसे ज्यादा दुख तो इसको लग रहा है कि उसने शादी की क्यों। तो भाई तेरे से अगर उसकी शादी हो भी जाती पहले 10 साल, तो तुमने कंफ्यूज होना था कि डॉगी स्टाइल में नीचे किसने होना और ऊपर किसने। आदिल मेरा हस्बैंड है, निकाह किया, कोर्ट मैरिज किया है। क्या मेरे हस्बैंड है आदिल? वो बता ही नहीं रहा है, उसको जवाब ही नहीं आ रहा है, हाँ बोलूं कि ना बोलूं, मैं फंस गया हूं। भाई ये नहीं पता किसी को कि कौन सही है कौन गलत है, ये तो चलो मजाक में हम वीडियो बना रहे हैं, ये राखी की पर्सनल लाइफ है, और किसी को नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, क्या इल्जाम किस पे लग रहे कोई नहीं पता। लेकिन जैसा ये बंदा करता है ना, मजा बढ़ाता है, तो कहता मेरे को पता ही नहीं है, जवाब ही नहीं दे रहा। उसको नहीं पता है, वो मुझे कह रही है कि आप मेरा, इसको नहीं पता है, उस लड़की का जो भी नाम नहीं ले सकती, वो कह रहा है, वो कह रही है कि तुमने उसे कहा है कि आप मेरे हस्बैंड नहीं। ओहो भाई सब कह रहे हैं पब्लिसिटी स्टंट छोड़ो, खोती थे बच्चे तू की करना है, तू भी वही करने है पब्लिसिटी स्टंट, पब्लिसिटी स्टंट, तू भी तो वही लेने आया है, तूने क्यों शादी की है? ना सोच पा रही हूँ, ना उठ पा रही हूँ, ना कुछ कर पा रही हूँ, सर पे मार दिया था, बॉडी पे, मैं तुरंत हॉस्पिटल गई थी, मिरर पे मार दिया था, मुझे धक्का मार का पीछे सीढ़ी पीछे लग गया था बहुत जोर से बैक में। वेरी वेरी दुख राखी जी, वेरी वेरी दुख, इतना दुख तो मेरी जिंदगी में भी है, किसको बताऊं मैं, मम्मी। क्या हुआ है? बस मैं थक गया यार, बस होगी मेरी अब। हुआ क्या है, रो क्यों रहा है? बस होगी मेरी, बता तो सही, हुआ क्या? पिछले 3 दिन से टट्टी नहीं आ रही, रुकी पड़ी। बदतमीज, निकल। बीवी का नहीं हुआ तेरा भी नहीं होगा,
हट 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 तो तुमने किया, जितने भी तुम्हारे पति आज तक बने हैं, जितने भी बॉयफ्रेंड तुम्हारे बने हैं, सबको हट तो तुमने किया। तुमको याद है यार राखी का स्वयंवर आया था जिसमें वो जॉनी सिंह जैसा दिखने वाला आदमी इसका पति बन गया था, सारे कंटेस्टेंट को पीछे हराता हुआ आगे आया था और बोला था राखी मैं हूँ तुम्हारा जॉनी, मुझसे करो प्यार। ये बंदी वहां पर भी ऐसी रोई जाए, वहां पर भी बोली जाए कि मेरा दिल टूटा। भाई कम से कम 72 साल की ये जनानी हो चुकी है, इसका इतनी बार दिल टूट चुका है जितने ही बोलूं यार मैं। और अभी इस टाइम पर पंगा ये नहीं पड़ा हुआ कौन सही है कौन गलत है, इस टाइम ये पंगा पड़ा हुआ है कि आदिल जो इसका पति है वो गंजा है, उसने विग लगाई हुई है, उसका ही टॉपिक इतना चली जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि इसका पति है और पति के साथ जब सुहागरातें होती हैं तब निकलता नुकलता कुछ नहीं, तो बस भाई राखी को करते हैं अपन साइड पे और होप्स जो भी इनका स्यापा सुपा पड़ा सारा सही हो जाए। आगे मैं तुमको दिखाने लगा हूं मेरी क्रश, मेरी फेवरेट आंटी इंस्टाग्राम पर जिनसे मुझे बहुत ज्यादा प्यार हो चुका है, उसकी एक दो वीडियो तुम्हें दिखाना चाहता हूं। और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके जरूर बताना कि इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। वीडियो लगा भाई। लड़कियां कुंवारी तब तक है जब तक किसी मर्द ने छुआ ना हो, फिर चाहे वो 18 की हो या 48 की। आई मीन मेरी गुगली बुगली आंटी कुची कुची, ऐसा आपका एसी के स्टेबलाइजर जैसा मुंह एंड मुंह। ये आंटी को होलसेल में हवस चढ़ी है, 98 साल की ये खुद लग रही है और इसको इतना संभोग चाहिए दुनिया से, इतना इसके जितनी भी इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लो सब में संभोग बराबर है, सब में सेक्स मांगती है, सब में ये लोगों को बताती है कि सेक्स किस प्रकार से होना चाहिए। क्यों भाई क्यों? तुम्हारे पति की LIC की किस्त आने वाली है उसके बारे में चिंता कर लो, तुम्हारी गाड़ी की किस्त आने वाली है उसके बारे में चिंता कर लो, तुम्हारे बच्चे की स्कूल फीस आने वाली है उसके बारे में चिंता कर लो, लोगों के संभोग के साथ तुमको क्या लेना देना। और तेनू किन्ने दस्या के 18 की हो 48 की हो, जब छूता है तब कुवारी खत्म हो जाती है, केड़ी तेरी बेबेदी साइंस है, केड़ी साइंस है? अपना पति बनाओ और अपना मुंह 95 किलो का बनाओ। आंटी मेरे को एक सीरियस नोट पे बात बताना, संभोग चाहिए ना। ये है असली सावधान इंडिया, ये बनाती है ऐसी आंटियां असली सावधान इंडिया। अच्छी भली शिमला मिर्च ले रही होती है वहां पर, साथ में इशारे चल रहे होते हैं। और टेक जा आंटी टेक जा, आस्था चैनल देखने की उम्र है, FTV नहीं। थोड़ा सा बॉडी शेम कर दूं। तुमको सोना भी कहेंगे, तुमको जान भी कहेंगे, तुमको रानी भी कहेंगे, तुमको चांद भी कहेंगे, तुमसे यही होता है जब ट्रक का टायर फट जाए ना, ऐसी पलटता है। आंटी बच्चे और मर्द चाहे जो मर्जी बनाए, तुम्हारी आलू गोभी और भिंडी जो पड़ी है ना गैस पे पहले वो बना ले, अगले चाहे जो मर्जी बनाए मनाए तुम पहले वो बनाओ। आंटी पोते पोतियों के डायपर बनाने की उम्र में कहाँ तुम मूड बना रही हो और क्यों बना रही हो, कितना चाहिए तुम्हें, मतलब क्या चाहिए तुम्हें? आंटी और भाभियों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है। और तेरी पन्नो आंटी भाभी आंटी भाभी आंटी भाभी, कतीजी गल नहीं आंदी तेनू, निकल। तो बस भाई आज के लिए वीडियो यहीं पर करते हैं, स्मार्ट कैसी लगी लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, उसका यूजर नेम है @inaginasethi, वहां पर भी बढ़िया बढ़िया रील्स डालता हूं और बढ़िया बढ़िया स्टोरीज पोस्ट करता हूं। बाकी ठीक है, मिलते हैं।